अलवर के बहरोड थाने में शुक्रवार को पुलिस एक अपराधी को पकड़कर लाती है। उसे हिरासत में लिए कुछ घंटे ही बीते थे कि अचानक फिल्म स्टाइल में बहरोड थाने पर AK-47 से हमला होता है। भगदड़ मच जाती है, पूरा परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगता है। जब गोलियों की आवाज थमती है तब साफ होता है कि जिस अपराधी को पुलिस पकड़कर लाई थी वो हरियाणा का कुख्यात विक्रम उर्फ पपला गुर्जर था, जिसे कुछ ही घंटों में उसके साथी पुलिस की नाक के नीचे से भगा ले गए। पूरा मामला गुनाह की रिपोर्ट में देखिए। लगता है राजस्थान में कानून से ज्यादा अपराधियों की तूती बोलने लगी है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि जैसे कानून को तो अपनी जेब में रख कर घूमते हैं। भले ही पुलिस के कुछ जाबाज जवान अपनी जान पर खेलकर अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अपराधी कुछ लापरवाह पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाकर AK-47 जैसे हथियार लहराकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है राजस्थान के अलवर से, जहां अलवर जिले के बहरोड थाने में 10 से 15 बदमाशों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और लॉकअप में बंद अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। संदिग्ध अवस्था में एक आदमी को पकड़ के लाए थे, पूछताछ कर ही रहे थे। अभी बाकी जो क्या कुछ बरामद हुआ था सर इससे? कुछ पैसा मिला, एग्जैक्ट अमाउंट में बता दूंगा सर। किसी की वारदात को घटना को अंजाम देने आए थे रात को, कुछ कम टाइम में इतना डीप लग नहीं पा पाया। हार्ड चेस में है, नाकाबंदी कर रखा, हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से करके हम हमारे काम कर रहे हैं। क्या बात हो जा रही सर? क्या इनके पास AK-47 उसकी संभावना है? सर को बताऊंगा सर, सबसे बड़ी वारदात है राजस्थान में इस तरह के, जो हवाला से बदमाश को छुड़ा के ले गए। ये कह रहा हूँ ना, बहुत गंभीर घटना है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण एक मामला है, हम बेहतर ढंग से कार्रवाई करके जवाब देंगे। थाने से छुड़ा कर ले गए कुख्यात अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को 10-15 बदमाशों ने AK-47 से की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस वालों ने भागकर बचाई जान। हरियाणा का है वांछित अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर। पहले एक नजर इन तस्वीरों पर डालिए। हाथों में खतरनाक हथियार, बॉडी में टशन, हथियारों का पूरा जखीरा है इन अपराधियों के पास। इन अपराधियों में जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि खौफ होता तो यूं इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया गया होता। अब आपको बताते हैं कौन है ये शख्स और क्यों खुलेआम हथियारों की नुमाइश लगा रहे हैं। ये अपराधी है हरियाणा का विक्रम गुर्जर उर्फ पपला। दरअसल विक्रम गुर्जर उर्फ पपला, जो कि अलवर के बहरोड थाने में बंद था, उसे उसके साथी फायरिंग कर छुड़ा कर ले गए। अलवर के बहरोड थाने में 10 से 15 बदमाशों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और लॉकअप में बंद अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। बेखौफ बदमाशों ने AK-47 से करीब 45 गोलियां चलाई, हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ है। ये हैरान करने वाली और शर्मसार करने वाली बात है कि सुबह खौफ का पर्याय बन चुके विक्रम गुर्जर को पकड़ा गया था और कुछ वक्त बाद ही उसके साथी फिल्मी अंदाज में थाने पर और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर उसे छुड़ा कर ले गए। इस दौरान करीब 20 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पूरी वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दे दिया गया। 20 पुलिसकर्मियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई है। राजस्थान के बहरोड थाने से शातिर बदमाश पपला गुर्जर फरार हो गया है। बहरोड पुलिस पपला गुर्जर की गंभीरता को नहीं पहचान सकी, लिहाजा पुलिस ने पपला गुर्जर को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन पपला गुर्जर ने अपना नाम पुलिस को कुछ और बता दिया, जिसके चलते पुलिस को पपला गुर्जर की गंभीरता नहीं पहचान सकी। चंद मिनटों के अंदर पपला गुर्जर के कुछ शातिर साथी आए, बदमाशों ने ताबड़तोड़ थाने के बाहर फायर किया और लॉकअप से पपला गुर्जर को लेकर रफू चक्कर हो गए और छोड़ गए तो सिर्फ नाकामी। AK-47 के आगे बहरोड थाना सरेंडर, 4 घंटे भी नहीं रोक सकी पुलिस को ख्यात पपला को। गश्त के दौरान पपला से मिले थे 31,90,000 रुपए। क्या राजस्थान में आया आनंद पाल से भी बड़ा बदमाश? पुलिस के मुताबिक कुख्यात विक्रम गुर्जर को शुक्रवार की सुबह की गश्त के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर हिरासत में ले लिया गया था। विक्रम के पास से 31,90,000 रुपए बरामद किए गए थे।
सुबह के तकरीबन 8:30 बजे थे जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इससे पहले कि पुलिस को कोई जानकारी हाथ लगती, उसके साथी उसे छुड़ा ले गए। विक्रम के फरार होने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, चारों तरफ गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया है। पुलिस की तरफ से जो स्थानीय थाना है, जिला पुलिस है, उनके उच्च अधिकारी मौके पर SP साहब खुद वहीं हैं। उनके नेतृत्व में जिला पुलिस बदमाशों के पीछे लगी है। यहाँ से मुख्यालय से हमने ERT की टीम, साथ में SOG के ऑफिसर्स, ADG SOG स्वयं वो इस क्षेत्र में है उनकी मदद के लिए। हरियाणा पुलिस से हमने कोऑर्डिनेशन किया है। फिल्मी स्टाइल में फरार हुए बदमाश, मंडावर में खराब हुई बदमाशों की गाड़ी, लूटी पिकअप भी हुई खराब, कब के बाद लूटी स्कॉर्पियो, बाद में छोड़कर भागे बदमाश। अपराधी फिल्मी स्टाइल में हाईवे से होकर मुंडावर पहुंचे। मुंडावर में उनकी कार गड्ढे में फंस गई। इसके बाद उन्होंने पिकअप चालक को हथियार दिखाकर पिकअप को लूट लिया। आप कहां से आ रहे थे? हम यहीं के मुंडावर रह रहे हो? नारनौल से हूं भाई मैं। नारनौल से आते हो रोज? ना रोज ना हूं, आज वो दिन लेकर। क्या लेके आए थे आप? पिकअप लेकर आए थे गुड़गी। अच्छा, कहां जा रहे थे? खैरतल। ये गाड़ी वाले यहाँ एक्सीडेंट हुए, उसके बाद वो आपके पास आए? हाँ, वो मेरी गाड़ी लेगा बंदूक ले। गोली वोली चलाई थी क्या? दो गोली चलाई। आपके ऊपर भी चलाई? किसके ऊपर? पुलिस वाली गाड़ी। अच्छा, पुलिस पीछे थी उनके। हाँ। उसके बाद आपकी इनकी गाड़ी फंस गई, आपकी गाड़ी पिकअप लेके भाग गए। अपराधी अभी आगे बढ़े ही थे कि सोडाबाज के पास पिकअप भी बंद हो गई, तो बदमाशों ने वहीं पर स्कॉर्पियो लूट ली। स्कॉर्पियो को लेकर बदमाश आगे बढ़े। बदमाशों ने रसगंज के पतलिया होते हुए तिनकी रूड़ी की ओर ले गए और कच्चे रास्ते पर एक निजी स्कूल के पास स्कॉर्पियो को छोड़ दिया। घर से आ रहा था सीधा। उन्होंने साइड से गाड़ी लाई, मैं अपनी साइड चल रहा था। उन्होंने सीधी गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ के गाड़ी ने एकदम से आगे लगाई और आगे लगाते ही बंदूक निकाली, बंदूक लगा के नीचे पकड़ के नीचे फेंक दिया और लेके गाड़ी। आपसे कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? क्या नंबर है उसका? RJ02UA 86। कहाँ की घटना है, कहाँ पर हुई है? ये मुंडावर में। मुंडावर में कहाँ पर? ये पीपले के नीचे। अच्छा, ये जो सोडास रोड था? हाँ, सोडास रोड। वो गाड़ी किधर से आ रही थी? वो गाड़ी उधर थोड़ा साइड से, आप पीछे से आई है। अच्छा, आपके पीछे से आई है। और आप अपने घर से सराय से आ रहे थे? जिस कुख्यात को पुलिस कस्टडी से उसके साथ ही छुड़ा ले गए, तो सवाल बनता है कि आखिर वो अपराधी हैं कौन। तो आपको बताते हैं कुख्यात अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला का आपराधिक इतिहास। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर का आपराधिक इतिहास। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खैरौली का रहने वाला है। पपला पहलवानी का शौक रखता था, लेकिन अब वो मोस्ट वांटेड है, इस पर इनाम घोषित है। पपला गुर्जर हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कई जिलों में संगीन अपराधों को दे चुका है अंजाम। बताया जाता है कि अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए पपला ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर अपने दोस्त वीरेन के साथ मिलकर हरियाणा में 4 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पपला गुर्जर पर 2 लाख रुपए का इनाम है, जबकि साल 2016 में पपला पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पपला को सितंबर 2017 में भी कोर्ट परिसर से उसके गुर्गे पुलिस पर फायरिंग कर भगा ले गए थे। साल 2010 और 2014 में पपला के खिलाफ गवाहों को मारपीट और धमकाने के मुकदमे भी दर्ज हुए। पपला को नारनौल के CIA टीम ने 12 फरवरी 2016 को उसके गांव के पास से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर फेसबुक पर काफी एक्टिव रहता है और हथियारों के साथ फोटो शेयर करता है। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में है और पूरी तरह अब एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अपराधी लगातार पुलिस को छकाते रहे हैं। वे पुलिस के सामने से निकलते रहे, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला। सरकार के मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। नहीं नहीं, देखिए बात सुनिए, ये कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट्स की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 5 साल सरकार उन्होंने भी चलाई है, और जिस तरह से लोगों को समूह बना बना के मार दिया जाता था, पूरा राजस्थान बदनाम हो गया, और आज सत्ता जाने का इतना तकलीफ है उन लोगों को कि वो धरने पे बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी ने सारे जिलों के जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनको बुला के बात की है, कानून
व्यवस्था के बारे में जितने हमारे आईजी काम कर रहे हैं रेंज में उनसे बात की है। सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और इक्के दुक्के अगर घटनाक्रम होते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार की कोशिश है कि राजस्थान में अमन चैन और शांति का वातावरण रहे। यह आलम तब है जब दो दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया ने कानून के रखवालों की मीटिंग की थी और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। बहरहाल अपराधी पुलिस को दिन प्रतिदिन छका रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, बीच रोड थाने के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग कर कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इसे बहरोड पुलिस की नाकामी कहे या फिर चूक कहे, लेकिन ये नाकामी ना सिर्फ पूरे बहरोड पुलिस थाने की है बल्कि पूरे राजस्थान पुलिस के सिस्टम पर एक सवाल लगाती है। सवाल कि आखिर मौजूदा समय में क्यों राजस्थान पुलिस इतनी कमजोर होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण माना जा रहा है कि अधिकारी अपने कार्य क्षमता के अनुसार काम नहीं करने दे रहे, उसके अलावा नेताओं की कहीं ना कहीं जो पहुंच है वो पुलिस पर ज्यादा इन दिनों हावी होती नजर आ रही है। अगर ऐसी घटनाओं को, गैंगस्टरों को, गैंगवार को रोकना है तो राजस्थान पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए नेताओं का हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। बहरहाल एडीजी एटीएस एसओजी अनिल पालीवाल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दो लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और शातिर मोस्ट वांटेड पपला गुजर की तलाश में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में संभावित ठिकानों पर दबिश दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द पपला गुजर राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में होगा, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। सहयोगी सुरेश ताने के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।